तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कैड बाबा। आज के सेशन में हम सरफेस के जो स्मार्ट सरफेसर हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसमें सारे जो 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 ऑप्शन है वन बाय वन वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला है फ्रॉम नेटवर्क। फ्रॉम नेटवर्क के लिए मुझे कुछ सेक्शन क्रिएट करना होगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वर्क प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ वायर फ्रेम में पहले क्रिएट कर देता हूँ। पहले एलिप्स यहाँ पे आप ड्रैग करके एलिप्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे मुझे 20 चाहिए। एक्स में मुझे 40 चाहिए और वाई में 20, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चार नोड पॉइंट चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स यानी ईच क्वाड्रेंट मुझे चार चाहिए, ठीक है। आपके एक क्वाड्रेंट में आपका 1 2 3 4 फोर पॉइंट्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलता हूँ। मैं और एक एलिप्स क्रिएट कर लेता हूँ, 50 25, और यहाँ पे और क्वाड्रेंट में 4 चाहिए, ठीक है। या तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 40 45 कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे एक फिफ्टीन का एक सर्कल, ठीक है। अब ये एक प्लेन में है, मुझे इसको अलग अलग प्लेन में मुझे मैं प्लेस कर देता हूँ इसको। ये मुझे 25 पे चाहिए और सर्कल मुझे 60 में चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे फ्रंट में यहाँ पे मुझे कुछ लाइन कर्व क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक फ्रंट व्यू में मैं कर्व क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे फिटेड आर्क ले लेता हूँ, लाइक दिस। और इसको यहाँ पे फिफ्टी ठीक है। फ्रंट व्यू में मैं इसको मिरर कर देता हूँ अभी, कि हमारा जो स्केच है, ठीक है। अभी इसको मैं मिरर कर देता हूँ अबाउट जेड एक्स, ठीक है। तो ये जो अननेसेसरी लाइनें हैं यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक कर्व क्रिएट हो गया, जो सेक्शन क्रिएट हो गया जिसमें बहुत सारे कर्व हैं, एक से ज़्यादा है। तो इसको मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ स्मार्ट सरफेस में, ठीक है। तो ये देखिए, एक मेरा सरफेस जो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। आप इसको टॉप व्यू से देख सकते हैं, साइड से और यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक
ठीक है। तो इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग के लिए मैं तो इसी एलिप्स को मैं नीचे की तरफ ले जाता हूँ कॉपी करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी ऑप्शन चूज कर लिया। अब माइनस जेड में माइनस 50 में ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आर्क क्रिएट कर लेता हूँ और इसको कर दिया मैं मिरर अबाउट जेड वाई वाई जेड, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं साइड व्यू में। यहाँ पे एक क्रिएट कर देता हूँ कर्व मेरा कंस्ट्रक्शन प्लेन एक्स में, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको इस कर्व को मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो साइड व्यू से मैं इसको मिरर कर देता हूँ अबाउट जेड एक्स। अब मेरे मेरे पास एक मल्टीपल कर्व्स का एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। मैं इसको दोबारा सरफेस में जाके इसको क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं एक सरफेस आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं ट्यूटोरियल को। नेक्स्ट जो है स्मार्ट सर्फेसर में हम अगला ऑप्शन जो फ्रॉम सेपरेट कर्व है इसको लेके हम एक नया वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।